मिस करोगे किसमें हम ऐसे बात कर सकते हैं, टेस्टिंग ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। इनके टेस्ट के दो मेथड है ना, दो मेथड है। एक तो हमारे पास है लुइकस रिएजेंट्स, दूसरा क्या विक्टर मेयर टेस्ट। तो हम पहले बात कर रहे हैं है ना बाई लुइकस रिएजेंट। ठीक है, तो अगर आपको याद हो इससे पहले हमने एक वर्ड यूज़ किया था लुइकस रिएजेंट। अब लुइकस रिएजेंट का मतलब क्या है, HCl ना, HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 का 1:1 का रेशियो। ठीक है, HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 दोनों को मिला क्या बोलता हूँ मैं, लुइकस रिएजेंट। ठीक, तो हमने इससे पहले पढ़ा था ना कि जब भी मेरे पास इस तरीके से ROH एक अल्कोहल हो है ना, HCl के साथ रिएक्शन हो एंड एनहाइड्रस ZnCl2 यूज़ करूँ, तब पढ़ चुके हम लोग अल्कोहल की रिएक्टिविटी 3 डिग्री के अलोंग ज़्यादा होती है एंड ये मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है एंड HIHBr HCl। तो HCl सबसे कमज़ोर वाला था, आपको याद होगा प्राइमरी अगर हम यूज़ करते हैं तो मुझे HCl और प्लस ZnCl2 यूज़ ही करना पड़ेगा। ठीक है, एज अ लुइस एसिड काम करता है ये। तो आप देखो ना, तो जब भी इस तरीके से अल्कोहल की रिएक्शन HCl से होगी ना, तो मेरे पास RCl बनता है। क्या बनता है, RCl एंड ऐसे H2O निकलना था है ना, क्या बन गया था, RCl। ठीक, अब बेसिकली जो मेरे पास ये एल्किल क्लोराइड है ना, एल्काइल क्लोराइड बोल दूँ उसे मैं अगर, एल्काइल क्लोराइड। ठीक है, ये सॉल्यूशन में ना इनसॉल्युबल है, ये वाटर में कैसा है, इनसॉल्युबल इन वाटर। फिर हम बात करते हैं सॉल्यूशन में है ना, इनसॉल्युबल है एंड इनसॉल्युबल होकर ये ना सॉल्यूशन में टर्बिडिटी देता है। क्या देता है सर, ये टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का मतलब क्या है, धुआं टाइप, जैसे कि आप देखो कभी आग जलाओ तो निकलता धुआं ना, तो वैसे ही अगर सॉल्यूशन के अंदर धुएं जैसा कुछ निकले ना, तो हम बोलते हैं वो टर्बिड हो गया सॉल्यूशन, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है, है ना। सॉल्यूशन को देखकर उसमें धुंधलापन दिखेगा, उसमें बादल दिखेंगे है ना, स्मोक दिखेगा। ठीक है, देखा ना कभी। तो क्या हुआ सर, जब भी अल्कोहल को हम है ना, अल्कोहल की रिएक्शन किससे कराया हमने, लुइकस रिएजेंट से, तो अल्कोहल HCl के साथ रिएक्शन करके एल्किल क्लोराइड बनाता है, RCl बनाता है, और ये RCl इनसॉल्युबल है वाटर में। ठीक है, एंड ये टर्बिडिटी फॉर्म करता है सॉल्यूशन के साथ है ना, मतलब कि सॉल्यूशन को ट्रांसपेरेंट बनाता है, धुंधलापन बनाता है ना, उसमें स्मोकी बना देता है। ठीक, तो इसके बेसिस पे ना टर्बिडिटी कितनी जल्दी आई, कितने समय पर आ जाएगी, ये बात डिसाइड करता है कि अल्कोहल अपना प्राइमरी अल्कोहल होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा कि टर्शियरी अल्कोहल होगा। ठीक है, क्योंकि ना जैसे कि टर्बिडिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि रिएक्शन की रेट क्या है। तो मुझे पता है कि अल्कोहल के लिए जो रिएक्टिविटी है सर जी, जो रिएक्टिविटी है ना अल्कोहल के लिए, हम जानते हैं 3 डिग्री अल्कोहल मोर स्टेबल, मतलब कि रिएक्टिव ज़्यादा है, फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री बात किए थे हम लोग है ना। इसका मतलब ये है कि ना कि हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल यूज़ करेंगे, अभी हम उस पर आ रहे हैं। तो हमने क्या समझा कि है ना, ऐसे अल्कोहल हम यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा, टर्बिडिटी, एंड इस टर्बिडिटी के टाइम पे डिपेंड करेगा कि कौन सा अल्कोहल है। आपको पता है कि 3 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसका मतलब है अगर 3 डिग्री अल्कोहल यूज़ करते हैं तो सॉल्यूशन में तुरंत टर्बिडिटी आएगी है ना। अगर हमने अल्कोहल की रिएक्शन लुइकस रिएजेंट से कराई और तुरंत मुझे क्या मिल गया, टर्बिडिटी, हम बोलते हैं इंस्टेंट टर्बिडिटी। तो हो ना हो हमेशा वो अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक है, रिएक्शन हमने कराई अल्कोहल की लुइकस रिएजेंट के साथ, लगभग तुरंत नहीं 5-10 मिनट बाद मुझे मिली टर्बिडिटी, तो मैं बोलूँगा कि ये अल्कोहल 2 डिग्री होगा। ठीक है, रिएक्शन हमने कराई, टर्बिडिटी मिली ही नहीं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करवा रहे होते हम लोग लैब में, टर्बिडिटी नहीं मिली, इसका मतलब वो 1 डिग्री अल्कोहल होगा क्योंकि बहुत ही लेस रिएक्टिव है ना। ठीक, तो अगर इंस्टेंट टर्बिडिटी मिलती है तो 3 डिग्री आफ्टर 5 मिनट 2 डिग्री एंड नो टर्बिडिटी मतलब 1 डिग्री। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। लेकिन अगर हम हीटिंग करते जाए, हीटिंग बढ़ाते जाए, तो हीटिंग करने से पता है रिएक्शन की रेट फास्ट हो जाएगी है ना, तो प्राइमरी वाला अल्कोहल भी टर्बिडिटी दे देगा है ना हीटिंग करने पे। तो हम अभी नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात करते हैं बस। ठीक है, तो हमारी बात कहाँ पर है, केवल रूम टेम्परेचर तक।
ठीक, तो ये बात है। तो इस टर्मिनिटी पे डिपेंड करेगा कि अल्कोहल अपना कैसा होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो, हम यूज़ करें 3 डिग्री अल्कोहल, हमने यूज किया HCl+ एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है, लुईकास रिएजेंट, एंड मुझे मिल जाएगा तब इंस्टेंट टर्बिडिटी। अगर 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो मुझे इंस्टेंट टर्बिडिटी मिलेगी। अगर हम बात करें 2 डिग्री अल्कोहल की, वही हमने यूज़ किया है ना, HCl+ एनहाइड्रस ZnCl2, तो टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट है ना, तो लगभग 5-10 मिनट में मुझे टर्बिडिटी मिल जाएगी। थर्ड मैंने बात किया है ना, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक, वही अपना ZnCl2+ एनहाइड्रस ZnCl2 HCl+ एनहाइड्रस ZnCl2, तो मुझे में क्या मिलेगा, नो टर्बिडिटी है ना। एंड ये सारा काम किस पे हो रहा है, एट रूम टेम्परेचर। किस पे हो रहा है, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाए तो प्राइमरी अल्कोहल भी ना टर्बिडिटी दे देगा, ठीक है। तो ये पार्ट, तो हमारा अल्कोहल वाला पार्ट बिल्कुल ख़त्म होता है। एक टेस्ट मेरे पास और बचा है, विक्टर मेयर टेस्ट, फिर हम स्टार्ट करेंगे फिनॉल से, ठीक। सो तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।